नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कुदरत का करिश्मा। आज सुबह सुबह शोभा जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो रोज नियम से मंदिर जाती थी। अभी दरवाजा हल्का सा खुला ही था कि उनकी बहू मनीषा अपने पति सुधीर से कहने लगी, मैं तो रोज सुबह की खटपट से परेशान आ गई हूँ, सुबह सुबह सोने भी नहीं देती। तुम्हारी माँ खुद तो नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती है और दिन भर मैं ही सारा काम करने में लगी रहती हूँ। सारे घर का काम मुझे ही देखना होता है। लेकिन शोभा, ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर का काम तुम ही करती हो? झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो काम वाली बाई रखी हुई है, और मुझे मालूम है कि सब्जी साफ कराना और काटने जैसे काम तो मेरी माँ भी करवाती है। लेकिन तुम हो कि सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती हो, अजी झाड़ू पोछा और बर्तनों के अलावा भी बहुत सा काम होता है घर में। तुम्हारी माँ तो मंदिर में 2 घंटे लगाकर आती है, इतने तक मैं सारा काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब इनका घर में दिल लगता ही नहीं है तो तुम इन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते? वहाँ इन्हें इनकी उम्र की सहेलियाँ भी मिल जाएंगी। मनीषा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात करके सिरकपाई कर ही क्यों रहा हूँ। तुम्हारा तो ये रोज का काम है, अब थोड़ी देर शांति से मुझे सोने दो। शोभा जी अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह तो उनकी बहू का रोज का काम है। उसने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा था कि वहाँ कोई शांति से रह ही नहीं सकता था, इसलिए थोड़ी देर शांति में रहने के लिए शोभा जी मंदिर चली जाया करती थी। बरसों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इकलौते बेटे सुधीर के अलावा उनका था ही कौन? सुधीर उन्हें उनकी शादी के 10 साल बाद मन्नते मांग कर मिला था। यदि वे उसके साथ न रहती तो फिर कहाँ जाती? सुधीर भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। सुधीर और मनीषा का एक बेटा है राजू, जिसे अपनी दादी माँ का साथ बहुत सुहाता है, लेकिन सुधीर की पत्नी मनीषा को अपनी सासू माँ फूटी आँख नहीं सुहाती। जब भी शोभा जी अपने पोते के साथ हंसती बतियाती तो बहू की घूरती नजरें उनकी हंसी को वहीं दबा देती और वो सहम कर रह जाती। राजू अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था कि एक पल भी वो उनके बिना बिताना नहीं चाहता था। यही बात मनीषा को अच्छी नहीं लगती थी। सुधीर जब भी शाम को दफ्तर से लौटकर आता तो अक्सर उसके सामने एक ही रट लगाए रखती कि मैं तो तुम्हारी माँ का काम करते करते थक चुकी हूँ। तुम्हारी माँ तो दिन भर पड़े पड़े खांसते रहती है, अब मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। शोभा जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू पर काम का बोझ कम से कम रहे। तबीयत ठीक रहती तो बहू के साथ उसके काम में हाथ बंटा दिया करती थी। जब भी काम वाली बाई छुट्टी पर रहती तो बिना देर किए बर्तन भी साफ कर दिया करती थी, लेकिन बहू पर तो जैसे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था, जिस कारण घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता था। पर सुधीर यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इसी प्रकार ही काफी समय व्यतीत होता रहा। आज मनीषा के कुछ रिश्तेदार उसके घर आए हुए थे तो शोभा जी को उसी समय खांसी छिड़ गई। वे काफी देर जोर जोर से खांसते रही। उस समय तो मनीषा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब सुधीर घर लौटा तो मनीषा ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब वो मांझी को वृद्धाश्रम भेज कर ही दम लेगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो सुधीर पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया, देखा तो माँ के कमरे की बत्ती जल रही थी। सुधीर ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ किसी गहन सोच में गुम थी। सुधीर अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। क्या हुआ माँ?
कोई परेशानी है बेटा? मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज कलेश होता है। घर का वातावरण बोझिल हो चुका है। बेटा, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम सब हंसी खुशी से रहो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऋषिकेश के वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। लेकिन माँ, मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आप मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। आज मैं कुछ भी हो, केवल आपके ही परिश्रम का फल है। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, इस घर का कला भरा वातावरण मुझे रास नहीं आ रहा। मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले आना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आजकल तो वृद्धाश्रमों में अच्छी सुविधाएं दी जाती है। मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। सुधीर अपनी माँ की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब सुधीर साफ साफ देख पा रहा था। हालातों से मजबूर सुधीर जाकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखों की नींद तो अब गायब हो चुकी थी। माँ के बारे में सोचते सोचते सुधीर अतीत के पन्ने पलटने लगा। वो करीब 5 वर्ष का ही था जब उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी माँ शोभा पर रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वो दूसरा विवाह न करके अपने बेटे सुधीर का ही पालन पोषण करेंगी और अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार देंगी। पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए घर पर रहकर ही टिफिन सर्विस शुरू की। न सुबह देखी न शाम, और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वह आज एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर आसीन है। सुधीर ने अपनी माँ का संघर्षमय जीवन देखा था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी न करके घर संभाले और उसकी माँ की सेवा करें। परंतु सुधीर का यह मात्र प्रेम मनीषा को कतई पसंद नहीं था, और इस बात ने मनीषा को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया था। वह ये थी कि उसका बेटा राजू भी अपनी माँ से ज्यादा अपनी दादी से ही प्यार करता था। इस सब का परिणाम ये हुआ कि मनीषा आए दिन अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने लगी थी और अपने तीर जैसे शब्दों से घायल करने लगी। शोभा जी सहनशीलता की मूर्ति थी, परंतु अपनी बहू के मुख से कटाक्ष सुनते सुनते शोभा जी का अंतर्मन धीरे धीरे जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वह अस्वस्थ रहने लगी और अक्सर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी। अब तो बहू उन्हें घिन भरी नजरों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी कि अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि शोभा जी हारकर खुद ही वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो गई। सुधीर भी यह बात समझ गया था कि उसकी माँ को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, जिस कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। परिस्थितियों से परास्त होकर सुधीर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन राजू अपनी दादी की वृद्धाश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंत अपनी दादी से लिपट गया। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ रहेंगी, चिल्लाते हुए वह जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख सुधीर भी अपना दिल हारने लगा, परंतु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा, दादी को कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है। जब कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें वहाँ से ले आएंगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर सुधीर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। शोभा जी के घर से जाने के बाद सुधीर और राजू बहुत ही उदास हो गए, परंतु मनीषा की खुशी का ठिकाना नहीं। राजू हर रोज स्कूल से आने के बाद
अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता। मनीषा उसे बहुत मनाती कि वो उसके पास आकर बैठें, परंतु वो अकेले ही बैठना पसंद करता था। उस दिन के बाद से सुधीर भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया और एक महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत बार सुधीर सोचता कि जाकर अपनी माँ को वापस लेकर आए, लेकिन फिर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता। ऐसे करते करते 3 महीने व्यतीत हो गए और एक दिन आश्रम से सुधीर के पास फोन आया। मिस्टर सुधीर, आपकी माताजी श्रीमती शोभा का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो चुका है, आप तुरंत आश्रम पहुंच जाइए। ये बात सुनते ही सुधीर सन रह गया और अपना सिर पकड़कर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा, कितना क्रूर था मैं जो अपनी माँ को ही वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया, और उन्हें वापस लेकर आना तो दूर, मैं तो उनसे मिलने तक का समय न निकाल पाया। मैं उस माँ को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसकी गोद में सिर रखते ही मैं सारी दुनिया की परेशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी माँ, और ऐसी पूजनीय माँ के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ नहीं था। मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर बैठा। सुधीर की आंखों से निरंतर अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। उसी समय मनीषा भी बाजार से वापस लौट आई। देखा तो सुधीर निढाल सा जमीन पर पड़ा हुआ लगातार आंसू बहा रहा था। मनीषा उसे देखकर घबरा गई और पूछने लगी, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं। मनीषा को देखते ही सुधीर जोर से चिल्लाने लगा, सब तुम्हारा किया धरा है, ये केवल तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ बताइए तो क्या हुआ, मनीषा बोली। तो सुधीर भरे गले से बोला, तुम मेरी माँ से छुटकारा चाहती थी ना? माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया। माँ ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। ये सुनते ही मनीषा को झटका लगा और राजू तो ये सुनते ही जोर जोर से रोने लगा। मनीषा सुधीर से माफी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी, हमें जल्दी ही ऋषिकेश के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज बरसात है, जैसे ही बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीतते पल के साथ तेज होती जा रही थी। सुधीर ने समय व्यर्थ न गवाते हुए ड्राइवर को फोन किया और उसे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी ऋषिकेश पहुंचना है। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि ऋषिकेश के पूरे रास्ते में तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है, पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है किसी मुसीबत को बुलावा देना। हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर वृद्ध आश्रम से सुधीर के पास दोबारा फोन आया कि यदि वे लोग सुबह तक नहीं पहुंचते हैं तो आश्रम के अधिकारी ही स्वयं शोभा जी का अंत्येष्टि संस्कार कर देंगे, लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से सुधीर बैठा हुआ यही सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब वो यहाँ से चले। आत्मग्लानी से भरा वो केवल उसी समय को कोस रहा था जब वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। सारी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुबह तक उनका जाना संभव न हो पाया तो आश्रम में उनकी माँ का संस्कार कर दिया गया। 2 दिन बाद सुधीर अपने परिवार के साथ आश्रम पहुँचा और अपनी माँ की अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित करते रोते कल्पते खाली हाथ वापस आ गया। घर आकर सुधीर और मनीषा बहुत दुखी थे। सुधीर का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने राजू को तो झकझोर कर रख दिया। उसका बचपन जैसे कहीं गुम सा हो गया। उसकी माँ जो सब्जी बनाकर देती वो खा लेता, जहाँ बैठने को कहती वहाँ बैठ जाता। वो गुमसुम सा सारे काम करते जा रहा था, लेकिन जब भी पढ़ाई करने बैठता तो उसका मन नहीं लगता था। किताब उठाकर बैठा रहता परंतु एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता था।
एक दिन राजू जब स्कूल से घर वापस आया तो आकर बिस्तर पर निढाल सा गिर गया। मनीषा ने देखा तो उसे बुखार था। थर्मामीटर लगाने पर पता चला कि बुखार 104 डिग्री था। मनीषा घबरा गई और तुरंत सुधीर को फोन किया। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और दवाई दी, परंतु बुखार तो उतरने का नाम नहीं ले रहा था, हमेशा 103-104 डिग्री के करीब रहता। रह रहकर राजू नींद में भी दादी माँ को बुलाता रहता। करीब एक सप्ताह तक भी जब दवाइयों ने असर नहीं किया तो वे दोनों राजू को मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। राजू हमेशा बड़बड़ाता रहता, दादी अब मेरे पास वापस आ जाओ, आप मेरे पास रहोगी। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है, क्या अब इसकी दादी जी इसके साथ नहीं रहती? सुधीर ने दादी जी के ऋषिकेश छोड़ने से लेकर अभी तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताई और बताया कि किसी भी प्रकार से बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल एक यही हल है, आपको किसी बूढ़ी महिला को राजू की दादी बनाकर लाना होगा और उन्हें अपने घर में रखना होगा जब तक राजू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई योजना सुधीर और मनीषा को कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन वो अपने बच्चे के जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। काफी कोशिशों के बाद भी कोई बूढ़ी महिला नहीं मिली जो राजू की दादी बन सके। फिर मनीषा ने सुधीर से कहा, क्यों ना किसी वृद्धाश्रम से दादी जी का इंतजाम किया जाए, विधि का विधान तो देखिए। जो मनीषा राजू की सगी दादी को बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आई थी, आज वही मनीषा अपने बेटे के जीवन की खातिर किसी अन्य महिला को वृद्धाश्रम से लाने को तैयार हो गई। डॉक्टर के सहयोग से दिल्ली के एक वृद्धाश्रम के संचालकों से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक वृद्धा उनके आश्रम में आई है, जिनका कोई सगा संबंधी कभी मिलने नहीं आया। कुछ समय पहले उनके सिर में चोट आई थी, जिस वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। वो अकेली है, अगर आप इन्हें घर में रखेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी, वो बहुत ही हंसमुख है। सुधीर डॉक्टर साहब के साथ राधा जी से मिलने गया, जो कि दादी बन रही है, तो देखा कि वो बहुत मोटी है। उनके सिर के बाल भी छोटे थे और वह चश्मा लगाती है। उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहाँ से आने के बाद सुधीर ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी माँ के बाल बहुत लंबे थे, वो बहुत ही पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी, पता नहीं राजू उन्हें अपनी दादी मानेगा या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने राधा जी को अपने पास बिठाकर उन्हें राजू से मिलवाया। राजू ने पूछा कि आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना, फिर आप वापस कैसे आ गई और आप इतनी मोटी कैसे हो गई? आपके बाल कहाँ गए? डॉक्टर ने कहा, राजू तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे लिए वापस भेज दिया। यहाँ आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा, खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। ये बात सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और दादी जी के गले लग गया। फिर अपनी माँ को कहने लगा, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो, मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे। उसकी बात सुनकर मनीषा मन ही मन बहुत संतुष्ट हुई, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी कि काश वो अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती तो उसे आज ये दिन न देखना पड़ता। राधा जी बहुत जल्दी ही उस घर में रच बस गई और राजू भी उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया। सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन मनीषा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो ना तो दादी जी को कोई कड़वी बात कहती
और ना ही उन्हें बोझ समझती बल्कि उनका पूरा ध्यान रखती। लेकिन राजू को अपनी दादी जी में एक परिवर्तन नजर आया। वो सोचने लगा कि उसकी दादी तो उसे हिंदी विषय पढ़ाती थी लेकिन अब वो सब कुछ भूल गई है। सुधीर ने उसे समझाया कि अब दादी जी पहले से ज्यादा बूढ़ी हो गई है और इस उम्र में याददाश्त कमजोर हो जाती है इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाती है। फिर राजू कहने लगा, कोई बात नहीं पापा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी भी दादी जी को डांटती नहीं है। सुधीर के मन में एक बहुत बड़ी कसक थी कि काश ऐसा वातावरण मेरी माँ के समय में भी होता। उसे रह रहकर अपनी माँ की याद कचोटती रहती और बार बार उसका मन ग्लानी से भर उठता था। कभी कभी तो अकेले में दुख से कातर हो उसकी आँखों में आंसू उमड़ आते थे। आज सुधीर सुबह उठा तो अपनी माँ को याद करके उदास हो गया। तभी राजू उसके सामने मुस्कुराता चेहरा लेकर आ गया। क्या पापा, आप रो रहे है? अब तो दादी भी हमारे पास आ गई है। पापा, मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे, हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मेरी और दादी की मनपसंद चीजें खरीद कर लाएंगे और शाम को हम सब पार्क जाएंगे। सुधीर भी बहुत उदास था तो कुछ देर सोचकर बोला, चलो भाई, आज तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। इतना सुनते ही राजू खुशी से उछल पड़ा। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमंग और प्रसन्नता से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लौटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। सुधीर और मनीषा गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जी जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी तो राजू ने देखा कि सड़क के दूसरी ओर आइसक्रीम पार्लर था। उसने अपनी दादी से कहा, दादी आइसक्रीम खानी है, चलो ना। ऐसा कहते ही वो उनका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगा। दादी ने देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर आ रही थी और राजू को बचाने के इरादे से उन्होंने उसका हाथ तेजी से पीछे की ओर खींचा। राजू तो गाड़ी से बच गया लेकिन दादी माँ को गाड़ी से टक्कर लगी। वो कुछ दूरी पर जाकर गिरी। उनके सिर से खून की धारा बह निकली। मनीषा और सुधीर एकदम घबरा गए। क्षण भर की भी देरी न करते हुए वे उन्हें लेकर पास के अस्पताल में पहुँचे। उन्होंने वृद्धाश्रम के संचालक को भी शीघ्र अस्पताल आने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सिर पर ज्यादा चोट आई है जबकि शरीर पर ज्यादा चोटें नहीं है। कुछ समय बाद वृद्धाश्रम के संचालक भी पहुँच गए। सुधीर ने देखा कि दादी जी के होंठ कांपने लगे थे और वे गुड्डू गुड्डू बोलने लगी। सुधीर को ये शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि यह उसके बचपन का नाम है और इस नाम से केवल उसे उसकी माँ ही पुकारा करती थी। सुधीर हैरान रह गया और बोला, इस नाम से तो मुझे मेरी माँ पुकारा करती थी। वृद्धाश्रम का संचालक तुरंत ही सारा मसला समझ गया और बोला कि कुछ समय पहले इन माताजी का एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें सिर पर गंभीर चोट आई थी जिससे उनकी स्मृति चली गई थी। मुझे लगता है कि वापस उसी जगह चोट आने के कारण उनकी स्मृति वापस लौट आई है। थोड़ी देर में दादी जी को होश आ गया और उन्होंने सभी को पहचान लिया और सुधीर को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुधीर तुरंत अपनी माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, माँ, अब हम कभी नहीं बिछड़े होंगे। मृत्यु भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई माँ, क्योंकि जिस इंसान का दाह संस्कार हो चुका हो वो इंसान साक्षात जीवित सामने हो तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा। अपने बेटे राजू को देखकर सुधीर बोला, बेटा, तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक है। राजू ये सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ा और सॉरी दादी कहकर अपनी दादी से लिपट गया। मनीषा भी रोते रोते सासू माँ से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी।
इस करुण दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया और सभी लोग सुधीर और उसके परिवार को खूब बधाई दे रहे थे। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। ये जानने के लिए सुधीर ने ऋषिकेश के आश्रम में फोन किया और पूरी घटना बताई और गलती कहां पर हुई इसकी जानकारी मांगी। तो अगले दिन संचालक ने आकर जो कुछ बताया वो आश्चर्यजनक था। आश्रम में शोभा नाम की दो महिलाएं थी, मृत्यु शोभा अरोड़ा की हुई थी। इत्तफाक की बात थी कि जिस दिन शोभा अरोड़ा की मृत्यु हुई उसी दिन ही आपकी माँ जी यानी कि शोभा शर्मा जी का पैर फिसल जाने के कारण सिर में चोट लगी थी। क्योंकि चोट गहरी थी इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भेजा गया और इलाज के बाद उन्हें वहां के ही वृद्धाश्रम में ठहराया गया। शोभा अरोड़ा जी का कोई भी सगा संबंधी नहीं था और आश्रम के प्रमुख देख रेख करने वाले मिश्रा जी का तबादला हो चुका था। उनके स्थान पर जो नए सज्जन आए थे उनकी अनभिज्ञता के कारण रजिस्टर में नाम के साथ दिए गए विवरण पर ध्यान न देने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली के वृद्धाश्रम में आपकी माताजी राधा जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि आंख खुलने के बाद वो हमेशा राधे राधे बोलती रहती थी। ठीक होने के बाद स्मृति दोष व अधिक मस्त रहने के कारण इनका शरीर मोटा हो गया। चेहरे पर चोट लगी थी इसलिए चेहरे पर निशान पड़ गए और सिर की चोट के कारण इनके बाल भी छोटे करा दिए गए। दृष्टि कमजोर होने के कारण आंखों पर चश्मा चढ़ गया। कुदरत का ये करिश्मा देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी कि उनकी वह माँ जिसका वह अस्थि विसर्जन भी कराए थे उन्हें जीवित मिलेगी। परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार में महत्व सभी लोग भली भांति जान चुके थे। और उधर मनीषा ये सोच सोचकर शर्म से डूबी जा रही थी कि जिस माँ को वो बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ आई थी आज असल में उसी माँ ने उसके बेटे को जीवन दान दिया। सुधीर और मनीषा दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे, परंतु दूसरी ओर उनके मन में तसल्ली थी कि आज दादी माँ के कारण ही उनका बेटा राजू उनके सामने सही सलामत खड़ा था। आज सचमुच दादी माँ और राजू दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं आज इस घटना ने सिद्ध कर दिया था। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।